हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई, आज लेकर आया हूँ मैं कार की इंटरनल एक्सेसरीज, जो कि सारी की सारी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इससे पहले भी मैंने कार एक्सेसरीज के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रखी है, तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई, इन सारी की सारी एक्सेसरीज में से अगर आपको एक भी एक्सेसरी समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार मोबाइल चार्जर से, जो कि एक्स टच कंपनी का आता है। तो आप बोलोगे कि भाई, इसके अंदर ऐसा अलग क्या है, हमारे पास भी कार मोबाइल चार्जर हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये कार पीडी मेटल चार्जर है, जो कि 125 वॉट की पावरफुल स्पीड के साथ आता है। इसके अंदर आपको दो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक यूएसबी पोर्ट और एक पीडी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट जो है 80 वॉट की पावरफुल स्पीड देता है, जिससे कि आप अपना लैपटॉप वगैरह ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। और पीडी पोर्ट जो है वो 45 वॉट की स्पीड के साथ आता है, जिससे आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल हो जो कि 70 वॉट 80 वॉट तक अगर सपोर्ट करता है, तो आप इसको ले सकते हैं और इससे आप अपने मोबाइल को ऑन द गो फास्ट स्पीड में चार्ज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके साथ आपको ये 3-in-1 सुपर फास्ट चार्जिंग केबल भी मिलती है, जो कि तकरीबन 1 मीटर की है। इसके अंदर आपको 3 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक यूएसबी, एक माइक्रो यूएसबी और एक लाइटनिंग केबल। तो आपके पास कोई भी डिवाइस हो, कैसा भी डिवाइस हो, सारे के सारे डिवाइस जो हैं आप इस प्रोडक्ट से चार्ज कर सकते हैं। तो जिन लोगों की भी ऐसी प्रोफाइल है कि उनको रास्ते में अपने लैपटॉप या टैबलेट्स वगैरह को चार्ज करना पड़ता है, डिवाइस जो है काफ़ी यूजफुल रहेगा। एटलीस्ट आप गाड़ी में जो है अपने सारे प्रोडक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट योर एडाप्टर और योर चार्जर। तो अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड फॉर एक्स टच कंपनी टू क्रिएटिंग दिस डिवाइस एट दिस प्राइस पॉइंट। तो अगली एक्सेसरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये कार अम्ब्रेला। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार अम्ब्रेला की कितनी बढ़िया फिटिंग आ रखी है। एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए आप, इसकी ओवरऑल फिटिंग आ रखी है, ऊपर से और नीचे से प्रॉपर तरीके से जो है फिट हो रखा है। तो जिन जगहों पर ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं या जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है और वो चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की जो इंटीरियर्स हैं वो ख़राब ना हो, तो आप इस अम्ब्रेला को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसको कैरी करना भी बहुत आसान है, एक बार मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ओवरऑल फोल्ड करके ये इतना सा हो जाता है। आप चाहें तो इसको आप अपने ग्लव बॉक्स या फिर सीट के नीचे रख सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती है, ज़्यादा गर्मी रहती है, उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा स्पेशली, बिकॉज आपका डैशबोर्ड वगैरह जो है ज़्यादा धूप से ख़राब हो जाता है, या फिर आपकी जो सीट का फैब्रिक होता है, उसका लेदर होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो अपनी गाड़ी को जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं और हमारे हाथ में टोल की पर्ची वगैरह है जो कि बेकार है, या फिर टिश्यू पेपर है जिसको इधर उधर हम लोग फेंक देते हैं, या तो गाड़ी के बाहर या तो गाड़ी के अंदर ही सीट के नीचे कहीं पर गिर जाता है। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये कार मिनी डस्टबिन, जिसके अंदर एक पुश मैकेनिज्म आता है, जिसको आप अपने आराम से यहाँ पर कप होल्डर में रख सकते हैं। और ऑन द गो अगर आपके पास कोई इस तरह का बेकार पर्ची पुर्ची या फिर कोई ऐसा टिश्यू पेपर है, उसको आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं और बाद में आप उसको जब भी आपको टाइम मिले तो उसको डस्टबिन वगैरह में फेंक दें। तो इससे आपकी गाड़ी भी क्लीन रहेगी और आप अपने इंडिया को भी साफ रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी वर्थ है, काफ़ी हल्का है और अच्छा मटेरियल है। और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं और जो भी इसके अंदर ट्रैशेज हैं उसको आप आराम से बाहर फेंक सकते हैं। वेरी नाइस प्रोडक्ट टू कीप इन योर कार। हम में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी गाड़ी वगैरह साफ़ करनी होती है तो नीचे से तो हम गाड़ी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, बट जो छत है वो हमारी क्लीन नहीं हो पाती है, बिकॉज हम सभी के जो है हाइट उतनी अच्छी नहीं होती, या कुछ लोगों की हाइट अच्छी नहीं होती ये बोल लीजिए, तो हमारा हाथ जो है ऊपर तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता। तो ऐसे में हमारी जो गाड़ी के जो ऊपर दाग हैं वो लगे रह जाते हैं, कपड़ा जो है प्रॉपरली जो है आप पीछे तक नहीं लेके जा पाते, स्पेशली इन द केस ऑफ SUV। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करने वाला हूँ। तो ये है वो प्रोडक्ट जो कि है कार हुक। अब इसको कैसे काम करना है, कहाँ यूज़ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आपके गाड़ी के यहाँ पर ये जो हुक होता है, इसको आपको यहाँ पर फिट करना है इस तरह से, और यहाँ पर पीछे की ओर इसमें रबड़ का पोर्शन है, और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर पैर रख कर, इसके ऊपर इस तरह से पैर रख कर आप आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं
और अपनी गाड़ी का जो ऊपर की जो छत है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इसको निकालना और लगाना बहुत आसान है और काफ़ी ड्यूरेबल है ये प्रोडक्ट। और यहाँ पर ऊपर की ओर आपको एक मिरर ब्रेक के लिए भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एक ऑप्शन। तो अगर मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी वगैरह हो जाती है तो इससे जो है आप अपनी गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर की ओर भी निकल सकते हैं। तो बहुत ही सॉलिड और छोटा मटेरियल है, गाड़ी के नीचे आराम से सीट के नीचे आप इसको रख सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल है फॉर दोज पीपल जिनके पास SUV वगैरह है या बड़ी गाड़ियां हैं और छत क्लीन करने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कोई पैसेंजर हमारी गाड़ी से उतरता या चढ़ता है, स्पेशली वो लोग यहाँ पर पैर रखकर जो है चढ़ते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर जो है स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, आपने काफ़ी बार नोटिस करा होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली ये मैंने एक विनाइल टेप मंगाई है जो कि एक प्रोटेक्टिव विनाइल टेप है जिसको कि आप यहाँ पर लगा सकते हैं और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगी और आपके जो स्क्रैचेस वगैरह आपके यहाँ पर बॉडी पे आ जाते हैं गाड़ी की बॉडी पे वो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो एक बार मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसी लगती है। तो सबसे पहले आपको जो है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन कर लेना है अच्छे से। एक बार आपको मैं इसकी लुक दिखा देता हूँ लगने के बाद कैसी आती है। तो इस तरह से इसकी लुक आ रही है। फिलहाल मैंने इसको नीचे की ओर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, आप चाहें तो ऊपर की ओर भी इंस्टॉल कर सकते हैं बिकॉज स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर भी जो है गाड़ी पे आ जाते हैं गाड़ी के दरवाजे पे। और फिलहाल अभी इसके अंदर इतनी टेप बची हुई है, आप चाहें तो इसको चारों दरवाज़ों पे इंस्टॉल कर सकते हैं, आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा। तो ओवरऑल इसकी ऐसी लुक है। तो जो लोग चाहते हैं अपनी गाड़ी को स्क्रैचेस से बचाना वो इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो हम सभी को अपनी गाड़ी को साफ रखना पसंद है, बट कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनको छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स भी जो हैं अपनी गाड़ी के अंदर पसंद नहीं है। जैसे कि मेरे को आदत है कि अगर कहीं पर डस्ट पार्टिकल है तो कपड़ा लेके उसको साफ करते रहो, पर ऐसे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, जैसे कि अंदर की ओर। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट जिससे कि आप अपनी डीप क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, जो कि है ये ब्रश। इसके लॉन्ग ब्रिसल्स हैं, काफ़ी सॉफ्ट है और ये काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट मुझे लगा देखने में। इससे आप ऐसी जगहों पर क्लीनिंग कर सकते हैं जहाँ पे जर्नली आपका जो कपड़ा है वो पहुँच नहीं पाता और जो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको भी आप इससे जो है साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बाहर की ओर नज़र आए तो उसको फिर आप कपड़े से वाइप आउट कर सकते हैं। तो इन जगहों के लिए जहाँ पर आपका जर्नली कपड़ा नहीं पहुँच पाता वहाँ पर आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो अगली एक्सेसरी जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वो है आपके कार कप होल्डर के लिए। तो काफ़ी लोग जो है रास्ते में खाते पीते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो है काफ़ी गंदगी वगैरह काफ़ी बार हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये रबड़ कोस्टर्स जो कि 4 का सेट आपको देखने को मिलता है। तो इसको आप जो है इस तरह से आप अपने कप होल्डर पर फिट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप अपना जो कप वगैरह है उसको आराम से रख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से जो है होल्ड करेगा और जो गंदगी वगैरह है वो भी नहीं होगी, और होगी तो वो इसके ऊपर ही होगी केवल, आप इसको निकाल के जो है आराम से क्लीन कर सकते हैं। 4 का सेट आता है, 2 या 3 कप होल्डर्स अगर आपके पास हैं उसमें आप रख सकते हैं या फिर आप अपने डोर की जो पॉकेट्स हैं वहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी गाड़ी में यहाँ पर ये फिट नहीं आ रहा बट मैंने सोचा ये अच्छा प्रोडक्ट है आपको रिकमेंड करूँ। तो जिनके भी जो कप होल्डर्स हैं थोड़े से ब्रॉडर हैं वो इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो भाई अगर इंटरनल एक्सेसरीज की बात हो रही हो और कार वैक्यूम क्लीनर का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर। तो बेसिकली एक वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है जो कि वैक्यूम का काम करता है और इसके अंदर ब्लोअर का भी ऑप्शन है और आप इसको विदाउट वायर यूज़ कर सकते हैं। देखने में जो है कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी छोटा काफ़ी सुंदर पोर्टेबल सा डिवाइस है और एक बार आपको मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी आवाज़ रहती है, एक बार ज़रा वैक्यूम करके देखते हैं कि ये कितना यूज़फुल है।
तो मेरे हिसाब से तो एक ठीक ठाक डिवाइस है, वायरलेस है, आराम से कहीं पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी जो है इसके अंदर गंदगी जो है कैप्चर हो गई है, तो इसको आप यहाँ से ओपन करके इसकी डस्ट जो है वो बाहर की ओर फेंक सकते हैं। तो ज़्यादा महंगा डिवाइस नहीं है, हल्का फुल्का डिवाइस है, आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी के सीट के नीचे इसको रख सकते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जो अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं और उनको जो है अपनी गाड़ी को रेगुलर बेसिस पे जो है वैक्यूम करना होता है। तो हमारे साथ बहुत बार ये होता है कि हम लोग विंडशील्ड वगैरह को पानी डाल के साफ़ करते हैं, बट इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स जो हैं उसके नहीं आ पाते, बिकॉज़ नॉर्मल पानी से जो है अच्छे से क्लीनिंग जर्नली नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो अगली एक्सेसरी मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है ये। तो बेसिकली ये जो है 50 पीसेस का टैबलेट का सेशे है, जो कि एक विंडशील्ड डिटर्जेंट की टैबलेट्स होती हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे पाउचेस के अंदर ये आती हैं। तो एक बार इसको डाल के मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या फ़र्क रहता है। तो बेसिकली ये 5 से 6 लीटर पानी के अंदर जो है ये छोटी सी टैबलेट जो है काम आ जाती है और आपकी विंडशील्ड को जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ये क्लीन कर सकती है। तो एक बार मैं आपको इसको डाल के दिखाता हूँ। तो ये इतनी छोटी सी टैबलेट होती है, इसको आपको जो है इसमें डाल देना है। तो अगर आपके इसका नोजल थोड़ा सा छोटा है तो ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसके ऊपर, ताकि जो है ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आपको 5 से 6 मिनट जो है वेट कर लेना है ये डिसॉल्व होके जो है, देखिए आप ये डिसॉल्व हो रही है, तो ये डिसॉल्व होके जो है प्रॉपरली अंदर चली जाएगी। उसके बाद आपको जो है इसको यूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है और जो पानी का कलर है वो ब्लू कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब इसको वाइपर को चला के देखते हैं पानी कैसा आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको झाग नज़र आ रही होगी जो पहले नहीं आ रही थी, ये देखिए। तो पहले से जो क्लीनिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो रखी है और आपके जो मिरर पे स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं वाइपर से वो नहीं पड़ेंगे, बिकॉज काफ़ी स्मूथ फंक्शन करेगा आपका वाइपर। टैबलेट्स का जो है पूरा पैकेट है, तो आराम से जो है आप 1 साल 1.5 साल जो है इससे निकाल सकते हैं। तो हम में से काफ़ी लोग जो हैं वो लॉन्ग जर्नीज वगैरह करते हैं अपनी फैमिली के साथ, छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं उनकी फैमिली में, तो ऐसे में जो गाड़ी के अंदर काफ़ी बार जो है तो लॉन्ग जर्नीज थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ ये इन्फ्लेमेबल बेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सेटअप करा हुआ है अपनी गाड़ी के अंदर और काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग आ रखी है और यहाँ पर जो है काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है इसकी। आपको 2 पिलोज भी मिलते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस टाइप के। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर तामझाम नहीं होता, आपको अलग अलग पार्ट्स हैं उनको आपको यू नो उनमें हवा भरनी होती है। इसके साथ में एक पंप आता है जिसको आप अपने 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ लगा के हवा भर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इनके नोज़ल दिए होते हैं, इनमें हवा भर के आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं और छोटे बच्चे वगैरह जो है आराम से लेट सकते हैं, 2 या 3 बच्चे आराम से इसमें लेट सकते हैं और आप लॉन्ग जर्नीज जो है अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो भाई ये थी मेरी वीडियो ऑन कार एक्सेसरीज़। अगर आपको इनमें से एक भी एक्सेसरी पसंद आती है तो प्लीज़ जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।